नमस्ते साथियों, मैं अभी नरसिंहपुर ज़िले के निवारी ग्राम में हूँ। इस ग्राम को पान निवारी के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण यह है कि इस गांव के अधिकतर किसान पान की खेती करते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पान की खेती कैसे होती है और इससे क्या किसानों को लाभ मिलता है। तो चाचा जी, आपका क्या नाम हुआ? संचौर से आप निवारी में रहते हैं, पान किसान भी हैं, दूसरा पान किसान व्यापारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। और पिछले 4 महीने से हम पान उत्पादक व्यवसाय प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। चाचा जी, अपने इधर ये अपने ग्राम में ये पान की खेती लगभग कितने वर्षों से की जा रही है? ये तो परंपरागत है, पुरातन काल से चली आ रही है, वर्षों का कोई उसमें अंदाज नहीं है। तो ये खेती करने वाले लगभग यहाँ कितने किसान होंगे आप? यहाँ 150 किसान हैं। अच्छा, और इसको करने में क्या क्या लगता है, शुरुआत कैसे होती है, इसकी क्या प्रोसेस रहती है, क्या इसकी आगे विधि रहती है? क्या है, पहले तो इसकी ज़मीन तैयार होती है और 4 आरे का जो रकवा होता है उसमें एक पारी बनती है और उसमें लागत है लगभग 5,000 रुपये एक पारी में आती है। जैसे ये रोड दिख रही है जी, ये 4 आरे की है तो इसमें लागत 5,000 की आती है और अगर सही मौसम और परिस्थितियाँ रहती तो 10,000 रुपये उसमें आमदनी होती है। और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, अग्नि दुर्घटना या आंधी तूफान, तो उससे 100% नुकसान हो जाता है। जैसे ओलावृष्टि या पाला में भी 50% से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जैसे कि दूसरी फसलों में सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया जाता है ऐसा प्राकृतिक आपदाओं में, तो इसमें आप लोगों को कुछ मिलता है? इसमें भी RVC 6-4 में मुआवजा दिया जाता है, लेकिन एक विसंगति है तकनीकी जी। एक हेक्टेयर में 40 पारी शासन इसको मानती है, जबकि भौतिक रूप से एक हेक्टेयर में 250 पारी बनती है। पारी मतलब क्यारी, और 250 पारी कोई बनाता नहीं है, एक किसान अधिकतम 20 पारी बना पाता है, क्योंकि इसमें 5,000 रुपये की लागत एक पारी में आती है जी। तो 20 पारी बनाएगा तो 1,00,000 तो वैसे ही हो जाएगा। और छोटा किसान होता है, 22 आरे, 40-50 हज़ार से आरे से अधिक ज़मीन पर कोई पान की खेती एक किसान नहीं कर पाता है। तो हमने ये भी सुना है कि इस पान की खेती के साथ साथ इनमें कोई कोई सब्जियां भी लगाते हैं। सब्जियां नहीं, इनमें परवल लगाते हैं। अच्छा, पान और परवल का एक तरह से जोड़ा है ये। परवल जो है देसी परवल, वो केवल पान की बरेज में ही होता है। अच्छा, बाहर नहीं होता है, तो वो एक एक्स्ट्रा फसल है। अच्छा, तो बाकी की जो फसलें रहती हैं और इसमें क्या फ़ायदा है आपको, मतलब उनमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है फसलों में, अनाज की फसलों में कि पान की फसल में ज़्यादा फायदा? जिसके पास 50 आरे कुल ज़मीन है वो अनाज की फसल कैसे करेगा, पहली तो बात ही है। और इसमें यही फ़ायदा है कि कम से कम रकवा में पान की खेती हो जाती है। 4 आरे की एक पारी है तो 4 आरे में कितना अनाज निकालेगा किसान, उससे ज़्यादा उसके पास है नहीं। अब जैसे एक खेत है उसमें एक हेक्टेयर में 20 या 25 किसान शामिल होते हैं, तो 20-25 किसान अगर कोई अनाज लगाएंगे उस एक हेक्टेयर में तो कितना अनाज निकलेगा। और दूसरा ये है कि इसको एक बार लगाने के बाद 2 साल तक इसका वो गन्ने के फसल के जैसा चलता है, इसको नगद फसल बोलते हैं। अच्छा, एक बार बुआई के बाद इसमें अपन 2 साल तक फसल लेते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये कम जगह में भी इस खेती को किसान कर सकता है कि नहीं? किया ही जाता है। अच्छा अच्छा, और उसमें इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे अन्य फसलों में साल में 1 या 2 या 3 फसल लगाते हैं तभी उसमें अपन कोई आय प्राप्त करते, इसमें जब पौधा बड़ा हो जाता है तो जुलाई के महीने से ही अपन साप्ताहिक तौर पर इसमें से पान तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो हर सप्ताह जब पान तोड़ते हैं तो परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके पास व्यवस्था बनी रहती है। और इन फसलों में और कोई आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है? अब परेशानी यही है कि जैसे गत वर्ष या आंधी तूफान से यहाँ 70% पान के बरीजे गिर गए थे, तो मुआवजा वही है हमने जो बताया कि एक पारी शासन मान रही है 25 आरे की, जबकि होती है 4 आरे की, यानी एक हेक्टेयर में 40 पारी मानी जा रही है जबकि होती 250 हैं। तो वही अंतर है, वो अंतर शासन दूर कर देगी तो फिर किसान को थोड़ी राहत मिल जाएगी। सरकार से ज़रूर मांग की जा रही है और वो अगर ये जैसे सुधार हो जाए, अनुदान जो 35% दे रहे हैं RKVY में वो 50 हो जाए, और वो भी 7 साल में एक बार देते हैं, वो भी 2 साल में देना चाहिए, तो ऐसे किसान को सहूलियत दी जा सकती है। तो ये फसल जो है कितने महीने की या कितने साल की होती है?
ये 2 साल की फसल होती है, एक बार लगाने के बाद 2 साल चलती है। 2 साल चलती है, 2 साल के बाद फिर इनको पूरी तरह से आप ख़त्म कर देते हैं कि फिर बनाते हैं, क्या है? ख़त्म कर देते, फिर से इसी जगह का उपयोग करना होता तो कर लेते, नहीं तो अलग करके दूसरी जगह उपयोग करते। ये जो पान की खेती में मतलब कोई विशेष मिट्टी का उपयोग होता है कि ऐसे ही कोई भी खेत में अपन ये कर सकते हैं किसान? इसमें जमीन उतार वाली चाहिए पानी के लिए। मतलब एक जो बरेजा कहते हैं इसको, तो ये जो कितने क्षेत्रफल में लगता है लगभग? एक आदमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिसमिल जगह है। लगत बहुत है इसमें, महंगाई के कारण लगत बहुत है, अब फायदा कम है। पहले फायदा था इसमें, थोड़ा बहुत फायदा था, पहले परिवार चल जाता। सरकार कभी कोई इसमें आप लोगों की मदद करना चाहे या कोई संस्था आपकी मदद करना चाहे तो आप क्या मदद लेना चाहेंगे उनमें? उनसे जी बांस बल्ली की मदद लेना चाहेंगे, बांस बल्ली अधिकतर इसी की परेशानी होती है हम लोग को। तो बांस बल्ली वो डिपो से लाते होंगे कि? डिपो से मिलता है, अभी जी मिल गया, इस साल मिला और पिछले साल मिला था, इसके पहले नहीं मिल रहा था। इसके बाद मुआवजा भाई, नुकसान होने के बाद मुआवजा भी देना मिलना चाहिए सरकार से। वो कभी ऐसे ही 2-5 हज़ार रुपये भर मिलते हैं हम लोग को, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिले। 2-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा, लाखों का नुकसान होने के बाद 2-5 हज़ार रुपये मिलते हैं इसके। तो किसानी और इसमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, किसानी का तो मतलब मुआवजा बहुत मिलता है लोगों को, वो एकड़ के हिसाब से मिलता है, यहाँ इस एकड़ का हिसाब ही नहीं है, यहाँ तो डिसमिल का है। डिसमिलों में लोग खेती करते हैं जे वाली, डिसमिलों में सरकार मुआवजा देती नहीं है। पारी का हिसाब बनाया था, पहले बोल दिया था 1,000 रुपये पारी देंगे, 20 पारी का नुकसान हुआ तो 2,000-5,000 रुपये दे दिए, हो गया पारी का हिसाब भी। पान की खेती की अधिक जानकारी के लिए आप पीछे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, इंडिया अनट के लिए।